हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यू IAS. ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज हम यहाँ पे कर रहे हैं PYQ रिलेटेड टू पंजाब सिविल सर्विसेज. उन्हीं के हम प्रीलिम्स के जो हमारे पेपर हैं, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस, राइट. इससे पहले हम 48 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं पहले से, और अभी हम यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, सो ओके स्टूडेंट्स. हाँ जी, तो 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ठीक है. द 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO विल बी हेल्ड फ्रॉम 15th टू 18th दिसंबर 2015 इन व्हाट. कहता 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 टू 18th दिसंबर. तो ये कहाँ पे हुई थी ये बताना है आपको, राइट. हाँ जी, तो क्वेश्चन को पढ़ो स्टूडेंट, फिर आंसर करो. तो कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट ये? निरबोई के अंदर, ठीक है. ये हमारा अफ्रीका का एक सिटी है, निरबोई के अंदर हुई थी स्टूडेंट ये हमारी 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी. ओके, लेट्स मूव. हाँ जी, 15th नंबर क्वेश्चन पढ़ो. हाँ जी, कहता है डेट ट्रैप मीन्स, डेट ट्रैप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो इकॉनमी. सो देखते हैं इसको, डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है. डेट ट्रैप का एक मैं आपको अगर पुराना एग्जांपल दूं तो वो ये है स्टूडेंट कि पुराने टाइम पे जो हमारे जो छोटे पुअर और मार्जिनल फार्मर्स थे, वो बड़े बड़े ज़मींदार से क्या करते थे, लोन ले लेते थे. लोन ले लेते थे, बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलता था. फिर उस लोन को वो चुका नहीं पाते थे. जब वो चुका नहीं पाते थे तो होता क्या था, धीरे धीरे वो फंसते जाते थे उस लोन के अंदर, ठीक है. फिर उस लोन को चुकाने के लिए वो और लोन ले लेते थे कहीं से, ठीक है. फिर उसको उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट चुकाने के लिए वो कहीं और से लोन ले लेते थे. तो ऐसे करते करते वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते थे, ठीक है. तो इससे आप समझ सकते हो कि दिस इज़ द डेट ट्रैप, ठीक है, कि आप एक ट्रैप में फंस गए. जैसे कि आपने अपने ना पक्का एक वो देखा होगा, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, इंडिगो रिवोल्ट पढ़ा होगा आपने, है ना. हिस्ट्री में इंडिगो रिवोल्ट है, गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है. तो उसमें होता क्या स्टूडेंट, इंडिगो रिवोल्ट क्यों होता है, क्योंकि जो फार्मर्स जो इंडिगो उगा रहे थे, है ना, ग्रो कर रहे थे, उनको ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको लोन देते थे, ठीक है. फिर जब उसको वो लोन को पे नहीं कर पाते थे, उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए वो और लोन दे देते थे उनको, कि चलो ठीक है, इस बार तुम इंडिगो का इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हो या इसको लोन को नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, डेट को नहीं दे पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, हमसे और डेट ले लो, ठीक है. मतलब कि डेट के ऊपर डेट, ठीक है. अभी अगर मैं रिसेंटली का एग्जांपल दूँ, जैसे आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे होगे तो उसमें आप पढ़ रहे होगे कि चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी. चाइना क्या करता है, किसी भी कंट्री को क्या करता है, लोन देता है, ठीक है, ऑन हाई इंटरेस्ट रेट. फिर क्या होता है, वो कंट्री उसको पे नहीं कर पाती. जब उसको पे नहीं कर पाती एंड आफ्टर दैट क्या होता है, चाइना फिर से लोन देता है उसके ऊपर, है ना, कि ये लो आप और लोन ले लो, ठीक है, आप इंटरेस्ट रे इस लोन से पे कर दो. अच्छा, ऐसे तो पर्सन जो है वो कभी डेट से बाहर ही नहीं आ पाएगा, है ना. जब आप डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट अगर ऐसे होता रहेगा, लोन के ऊपर लोन आप लिए जा रहे हो, तो आप एक ट्रैप में फंस गए, है ना. तो क्या चीज़ है, चारों स्टेटमेंट से पढ़ो. कहता मोर एड इज़ नीडेड टू मीट द डेट सर्विसेज रिक्वायरमेंट. सेकंड है मोर डेट इज़ नीडेड टू फाइनेंस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. फिर कहता है मोर डेट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइनेंस सब्सिडी स्कीम्स ऑल द अबव. तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. तो कौन सा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मोर एड is needed to meet the debt servicing requirement. तो ज़्यादा aid की ज़रूरत पड़ेगी to meet the debt servicing requirement. ठीक है, obviously आपको aid चाहिए, right? Okay. ठीक, तो 51 नंबर क्वेश्चन है. हाँ जी, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन इंक्लूड व्हाट. ठीक है, कैपिटल अकाउंट, आई थिंक मैंने आपको ये पहले भी समझाया था स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था. एक कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस होता और एक आपका करंट अकाउंट बैलेंस होता है ना, दो होते इकॉनमी में, मैंने आपको समझाया हुआ है स्टूडेंट. सो
हाँ जी, तो आप प्रीवियस ईयर, प्रीवियस अगर मेरे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो कहता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट कैन इंक्लूड व्हाट, क्या चीजें हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी, क्या इंक्लूड करते हैं? लोन्स, बिल्कुल, अगर बाहर से हम उधार लेते हैं तो भी वो इंक्लूड होता है। बैंकिंग कैपिटल, बिल्कुल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। ऑल द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। 52, हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड वाइड ट्राइम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री, एज द एंड ऑफ हिस्ट्री, बताओ जी। As the end of history, who among the following describes the world wide triumph of liberal democracy as the end of history? ठीक है, तो बताओ ये किसने बोला जी, किसने बोला स्टूडेंट? दैट इज फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है, इन्होंने बोला था। सी हियर स्टूडेंट, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब अगर तो नेगेटिव मार्किंग है तो आप स्किप ही कर दो, है ना, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल थ्योरीज के क्वेश्चन हैं, राइट। कितनों पता नहीं किस किस ने क्या क्या बोला हुआ वर्ड में, आप सब थोड़ी ना रटने बैठ जाओगे। कोई आपके सामने पढ़ते पढ़ते कोई बुक आपके सामने आ गया, देन वेल एंड गुड है, और वही एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है। नहीं आया, नहीं आ रहा आपको, कोई बात, ठीक है, डोंट वरी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, क्या क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा फुकुयामा, ठीक है, उन्होंने बोला था एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है जी। हाँ जी, 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following are quantitative inflation control methods? कौन से method हैं quantitative inflation control के? See here student, economy में दो terms होती हैं। पहली होती है quantitative और एक term होती है student qualitative। Qualitative में क्या चीज आती है student? Qualitative में आती है जब आप morally, आप मॉरली जो है वो क्या कर रहे हो, इथिकली मॉरली आप क्या कर रहे हो पर्सन को बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई जो है वो बाकी बैंक्स को क्या करती है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बोलती है, क्वालिटी इन द सेंस कि मॉरली इथिकली कि हाँ जी ये गलत है, आप इतना इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हो, हम तो आपको इतना सस्ता लोन दे रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं पास कर रहे हो, आप बेनिफिट्स को आगे क्यों नहीं पास कर रहे हो, इट्स अ मॉरली इनकरेक्ट, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट आरबीआई जो है वो क्या करती है, यहाँ पे क्वालिटेटिव एक्शंस लेती है। और क्वांटिटेटिव इन्फ्लेशन कंट्रोल के मेथड कौन कौन से हैं कि जहाँ पे बैंक एक्शन ले, है ना, जहाँ पे बैंक्स जो है वो एक्शन ले रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो बताओ कौन कौन से होंगे। तो कौन से होंगे, बैंक रेट, बिल्कुल डेफिनेटली बैंक रेट, बैंक रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली अपने आप चीज़ें जो हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर मान लो लोन सस्ता मिल रहा है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठाओगे बैंक से, है ना, चीज़ों को परचेज करोगे, तो मार्केट में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, राइट। तो बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये सब के सब क्या है हमारे यहाँ पे क्वांटिटेटिव इन्फ्लेशन कंट्रोल के मेथड्स हैं, ठीक है जी। ओके ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है एडम्स ब्रिज स्टार्ट्स एट व्हाट, एडम्स ब्रिज जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं, है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ भाई, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, धनुषकोडी से स्टार्ट होता है ना, वो एक ऐसे लंबा सा रास्ता जाता है, मैंने देखा भी होगा, ठीक है, धनुषकोडी से स्टार्ट होता है एडम्स ब्रिज, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जिसको हम राम सेतु या ऐसे भी बोलते हैं उसको, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, 55 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चे, 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से।
कहता द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन राइटली कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ व्हाट. तो बताओ, ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है. ठीक है, जिसके पास लॉजिक होगा वही इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा. ठीक है, तो क्या था ब्रिटिशर्स का भाई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ब्रिटिशर्स ने क्या किया स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने क्या किया स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया? लंदन में आया, ब्रिटेन में आया. ठीक है, तो वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के लेके जाते थे कहाँ पे, ब्रिटेन. वहाँ से वो फिनिश्ड गुड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, है ना, मशीन की हेल्प से वो बहुत सारा बल्क में क्या बना लेते, फिनिश गुड्स बना रहे थे और उनको ला ला के डंप कर रहे थे इंडियन मार्केट में. और अगर मान लो इंडियन इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश्ड कर रही होती तो फिर तो कॉम्पिटिशन हो जाता ना, है ना, लोग अच्छी चीज की तरफ भागते जो ऑलरेडी इंडिया के पास अच्छी थी, है ना, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, इंडिया की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही थी, राइट. तो वो सब फिर कॉम्पीट कैसे करते, तो फिर तो ये एक फेयर डील हो जाती, है ना, फिर आपको सर्वाइव करने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ता प्रोडक्ट. बट ऐसा नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स, तभी तो हम कॉलोनाइज हुए ना. सो उन्होंने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी सबसे पहले उसको ख़त्म किया, सो दैट कॉम्पिटिशन एलिमिनेट हो. जब मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो फिर तो आप ही राजा हो, आपके प्रोडक्ट बिक रहे, फिर चाहे वो ख़राब हैं, अच्छे हैं, एक्सपायरी हैं, जो मर्जी हैं, आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, है ना. सो दैट्स वाई स्टूडेंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहले उन्होंने यही काम किया. ठीक है, तो इसी पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, ओके. 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट्स फटाफट से. हाँ जी, तो कहता है द बगलीहार प्रोजेक्ट इज ऑन वाटर रिवर. बगलीहार रिवर जो है प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर है. हाँ जी, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन. इट इज ऑन व्हाट, इट इज ऑन चेनाब. ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर है. ठीक है जी, ओके. तो 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. हाँ जी, तो पढ़िए क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बात है, मतलब मजा आ रहा है वाकई. 2015 का पेपर वाकई इंटरेस्टिंग था. तो क्या है, कहता है शेल फ्रॉम विच शेल गैस इज प्रोड्यूस्ड इज ए टाइप ऑफ व्हाट. शेल गैस स्टूडेंट कहाँ मिलती है हमें, शेल गैस पता है ना आपको, है ना, बहुत सारे इवन शेल गैस को एक्सप्लोर करने इंडिया में भी बहुत सारे चलते हैं. क्या क्या कौन कौन से, जैसे कि गोदावरी बेसिन, है ना, गोदावरी बेसिन, बॉम्बे वाला बेसिन, है ना, वहाँ से भी हम शेल गैस निकाल रहे हैं. तो क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेडिमेंट्री. जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे स्टूडेंट वहीं पे हमें गैस मिलेगी और वहीं पे हमें फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं. फॉसिल स्टूडेंट कहाँ पे मिलते हैं, तीन तरीके की रॉक्स होती, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स हमें सेडिमेंट्री मिलते हैं. तीन तरीके की रॉक्स होती है, पहली हमारी इग्नियस रॉक्स जो डायरेक्टली कहाँ से बनती हैं, लावा से बनती हैं, है ना, जो लावा बाहर आता है जब वोल्केनोस इरप्ट होते हैं तो पहली बार जो हमारी रॉक्स बनती हैं उनसे लावा के ठंडा होने के बाद, उस रॉक्स को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं. सेकेंड टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं स्टूडेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं स्टूडेंट्स डिपोजिशन से, डिपोजिशन से. ठीक है, सीयर स्टूडेंट, मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ. सीयर, सबसे पहले आपकी इग्नियस रॉक्स बनी, फिर क्या होता है, वहाँ से कोई रिवर आती है, वो अपने साथ बहुत सारा क्या लेकर आते हैं, डिपॉजिट्स लेकर आते हैं, ऊपर से बहुत सारी रॉक, कंकड़, पत्थर सब ले आएगी, उसको ला ला के नीचे सेटल करेगी, लेयर बाय लेयर वो सेटल होता जाएगा. तो इन रॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, इग्नियस रॉक्स कह रहे हैं. और ये डिपोजिशन की वजह से जो बनी दैट इज वी कॉल्ड सेडिमेंट. अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से होगा कि मैम फॉसिल फ्यूल यहाँ पे कैसे बन गए. तो सीयर स्टूडेंट, जब यहाँ डिपॉजिट हुई लेयर बाय लेयर, तो एक लेयर जैसे मान लो यहाँ पे बन गई, अब फिर क्या हुआ, मान लो इसके ऊपर कोई वेजिटेशन ग्रो कर गई, ठीक है, फिर किसी अर्थक्विक की वजह से,
किसी फ्लड की वजह से, कुछ भी की वजह से, ये सारी वेजिटेशन, फॉरेस्ट, एनिमल, हर चीज़ जो है वो दूसरी लेयर की, इसके ऊपर एक और लेयर बन गई। मैं यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर बन गई यहाँ पे। तो ये जो अंदर बीच में जो दबा हुआ है मटीरियल, जो दबा हुआ यहाँ पे वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फ्यूना, हर चीज़ है, ये विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली अंदर वाली लेयर में कैसी जाएगी इतने डीप, तो विदाउट ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल के अंदर। ठीक है, अच्छा, फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ है स्टूडेंट? फॉसिल फ्यूल है स्टूडेंट्स हमारे, जैसे कि कोयल, कोल, क्रूड ऑयल, राइट, शेल गैस, ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल के। जो शेल गैस होती है वो ऑब्वियसली गैस है स्टूडेंट, हल्की है तो वो ऊपर आ जाएगी, है ना, और इसके नीचे हमें क्या मिल सकते हैं, फॉसिल फ्यूल मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है, कोयला मिल सकता है हमें, ठीक है, हमें यहाँ पे शेल गैस मिल सकती है, क्रूड ऑयल मिल सकता है, जैसे कि आप देखो कि जो हमारा मिडल ईस्ट है ना, वो सारे का सारा उसके अंदर क्या मिलता है हमें, क्रूड ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है ना, राइट, यस और नो? ठीक है, ठीक है, बट हाँ ये बात है स्टूडेंट कि शेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत डेप्थ तक क्या करनी पड़ेगी, आपको नीचे तक आपको आपकी मोटर को लेके जाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, है ना, बहुत टेक्निकली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इवन इट्स अ कॉस्टली, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आप खुदाई करते जाओगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है, सो एग्जाम्पल इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है जी, तो आगे मूव करते हैं। हाँ जी, 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट अटैक्ड बाय बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कौन से उस पर अटैक नहीं किया टाउन के ऊपर, तो किसके ऊपर नहीं किया स्टूडेंट, लाहौर के ऊपर नहीं किया था, उन्होंने कैथल के ऊपर भी किया था, उसको भी कैप्चर कर लिया था, स्माणा को भी कैप्चर कर लिया था, बिलासपुर को भी, और जिसको कैप्चर नहीं किया दैट इज़ द लाहौर, लाहौर को उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, ठीक है जी, क्योंकि जब वो लाहौर पे जा रहे थे अटैक करने तो वो रास्ते में अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, ठीक है, मोड चेंज कर देते हैं एक्चुअल में, ठीक है, किसी एनिमी को वो करने के लिए, ट्रैप में लाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे वो लाहौर पे अटैक नहीं करते, बाकी तीनों पे अटैक करके इन पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं ये लेक्चर यहीं पे ओवर कर रही हूँ सेशन, ठीक है, सो आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स, ठीक है, दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, पटाखे नहीं चलाने स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है विदाउट क्रिएटिंग पॉल्यूशन, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं सेशन ओवर करती हूँ, बट बिफोर दैट हाँ मुझे याद आ गया, PCS का बैच स्टूडेंट यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं एट अभिमन्यु IAS, राइट, अभिमन्यु IAS लास्ट 25 ईयर्स से स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिवली टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करता आ रहे हैं, ठीक है, तो इट्स अ वेरी ऑथेंटिकेटेड और यू नो वेल ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट, और ये मार्केट में यू नो बहुत अच्छी अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई है कंटिन्यू, ठीक है, और रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है हमारे इंस्टीट्यूट का, खैर मुझे अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप साइट पे जाके रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक है, तो इसी के चलते हमने PCS का एक बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है, तो आप फटाफट से PCS बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इवन अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आपको नंबर डिस्प्ले होगा हो रहा होगा उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी, ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सेशन अब ओवर करती हूँ फाइनली, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।